नमस्कार, स्वागत है आपका एलएनवी टीवी में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाली चोरई विकास खंड की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जबरदस्त तरीके से आग लग गई। आग का कारण अज्ञात बतलाया जाता है। पुलिस और प्रशासन आग के कारणों का पता लगाने में लगा हुआ है। इस भीषण आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करना पड़ी। आइए देखिए एलएनवी टीवी की यह रिपोर्ट। लोकतंत्र का भाग्य विधाता बने जागरूक हर मतदाता। भारत निर्वाचन आयोग लेकर आया है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT। इस बार जब आप EVM में अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, EVM पर पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने लाल बत्ती जलेगी और ठीक उसी समय EVM के बगल में रखे हुए VVPAT के प्रिंटर में एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड बाद तक यह पर्ची स्वयं कटकर बॉक्स में गिर जाती है। उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। ये इस बात का सबूत है कि आपका वोट आपके पसंद के प्रत्याशी को ही गया है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। लोकतंत्र का भाग्य विधाता बने जागरूक हर मतदाता। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले चोरई विकास खंड की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग किन कारणों से लगी, इस बात की जांच में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार भीषण आग यहां पर लगी हुई है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड और जो बचाव दल है वह आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग के लगने के कारणों का पता लगाने में पुलिस विभाग, संबंधित विभाग लगातार लगा हुआ है। छिंदवाड़ा से संदीप चौहान की रिपोर्ट। ताज़ातरीन समाचारों के लिए देखते रहिए एलएनबी टीवी, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।